सोनिया शर्मा। सर हमने अग्निवीर का फॉर्म भरा हुआ है जनरल ड्यूटी के लिए, तो सर यहाँ पे हमें इसीलिए बुलाया गया था कि हम अवेयर हो सकें कि हमें अपना पेपर कैसे देना है। पहले हमारा पेपर ऑफलाइन मोड में होता था, अब हमारा पेपर ऑनलाइन मोड में है। तो यहाँ के 10 आरआर ऑफिसर्स थे, ऑफिसर थे यहाँ पे, उन्होंने हमें समझाया कि आपको अपना पेपर कैसे देना है हमें सर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम रिटर्न में अपना हाई देते हैं और हमारा जो मेडिकल होता है, हमारा जो फिजिकल होता है सर, उसमें हम कहीं पीछे रह जाते हैं जिसकी वजह से हम अपना क्लियर नहीं कर पाते। तो सर उन्होंने हमें पूरा बताया हमारा पुलअप्स के कितने मार्क्स होते हैं, हमारा अगर हम रनिंग कर रहे हैं जो हमारा ग्राउंड होता है, अगर हम वो 5.5 मिनट में 1600 मीटर रेस जो है अगर हम वो करते हैं तो सर 60 नंबर उसके होते हैं और 40 दूसरे होते हैं। तो सर उन्होंने हमें वही कहा कि अगर आपका फिजिकल में पूरा 100 है तो आप, अगर आपका रिटर्न में थोड़ा बहुत छूट भी जाता है तो आप फिर भी आप अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। सर बचपन से सपना भी था, क्योंकि मेरे को कोई बचपन में पूछता था बड़े होके क्या करोगे, क्या बनना है, तो मैं इंडियन आर्मी आर्मी ऑफिसर। तो सर अभी अगर हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, आप कह रहे हो अभी मैंने ऑफिसर वाली बात करी, तो सर अभी हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम अगर सर छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वही इंसान को बड़े लेवल पर लेकर जाती है। तो सर वही मेरा, मैंने अपनी लाइफ का पहला स्टेप स्टार्ट किया है, तो अब आगे होता क्या है वो देखना है। सर अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो हम यहाँ खड़े ना हो, और सर मेरी फैमिली, मैं तो मम्मा है, सिंगल पेरेंट है, तो सर उनका सपोर्ट इतना है ना सर, मैं बोल भी नहीं सकती। सर जनरल आर वालों ने यहाँ पे बुलाया था, अग्निवीर के जो फॉर्म निकले थे हमने वो भर दिए हैं, मतलब फिल कर दिए हैं, तो 17 अप्रैल को उसका पेपर होने जा रहा है। तो टेनरार वालों ने हमें आज इसलिए यहाँ पे बुलाया था ताकि ये हमें उसके बारे में बता सकें कि कैसे क्या होगा। पहले जो है ऑफलाइन मोड था, एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होता था, तो इस बार जो है प्रोसीजर चेंज हो चुका है, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा हमारा। तो हमें आज इन्होंने ये बताया कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा, मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा, फिजिकल वगैरह कितने मार्क्स का होगा, पुलअप्स कितने होंगे, मतलब सब कुछ आज इन्होंने हमें बताया। सर तैयारी तो ठीक ही चल रही, क्योंकि उसके साथ साथ हमारे 12th के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। तो अब फैमिली का सपोर्ट, सर फैमिली का सपोर्ट बहुत है। नो सर, क्रेज़ है, बचपन से ही क्रेज़ है कि जाना है तो इंडियन आर्मी में ही जाना है।